तो हमारी बाइक जो है वो उसमें हो गए हैं 26,097 किलोमीटर्स पूरे, और 3 साल पूरे हो चुके हैं बाइक को। तो आज की वीडियो में मैं आपको रॉयल एनफील्ड मिली, और इसमें मैंने 3 साल पहले एक वीडियो डाला था स्पार्क प्लग अपडेट को लेके, जो कि मैंने रिडीम के स्पार्क प्लग्स में चेंज किए थे। तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा कि इनके स्पार्क प्लग की कंडीशन क्या है और बाइक में और क्या चेंजेस किए मैंने, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को स्पार्क प्लग के साथ। तो मैं आपको इसको सबसे पहले इसकी कंडीशन दिखाऊंगा खोल के। इसके लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, मैंने रखा है इधर। एक भाई का कमेंट आया था कि ये इस प्लग को चेंज करने के बाद इंजन में ये टच कर रहा है बाइक, ये वायर। तो देख लीजिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाइप में भी, और इस पाइप में देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो प्लग खोल के दिखाता हूँ आपको भी। तो ये है प्लग आपके सामने, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, उसमें गंदा हो गया, क्लीनिंग नहीं कराई है इसमें जब से लगाया है इसमें। एक बार शायद सर्विस करवाया था जब बाइक में, जब तब इसको खोल के क्लीन करवाया था, तो मैं इसको खोल के क्लीन भी कर दूँगा। लेकिन इसकी टिप देख सकते हो आप, कार्बन मिनिमल है टिप में। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा। तो फ्रेंड्स स्पार्क प्लग कर दिया मैंने पूरी तरह से क्लीन, देख सकते हो सैंड पेपर ज़रा पूरे क्लीन कर दिया है। सर्विस सेंटर से मैंने परसों ही सर्विस करवाई है, संडे को करवाई थी, लेकिन उनसे जब तक कुछ खुद से कुछ नहीं कहोगे वो कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए आपको दिखाने के बहाने से मेरा स्पार्क प्लग भी क्लीन हो गया, वरना तो मैं उसको ऐसे ही रहने देता। चलिए अब इसको वापस से प्लग इन कर देते हैं। थोड़ा सा टाइट कर देंगे इसको, ये हो चुका है टाइट। इसका कैप प्लग इन कर देंगे, बस। तो ये है स्पार्क प्लग का, और आपको मैं बाकी और चीजें भी दिखाऊंगा इस बाइक में और क्या क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। देख आप ये देख सकते हो उसका बीच का जो लेग गार्ड है, इसके बीच में आप देख रहे होगे ये लोहे का, ये एक्चुअली मैंने बनवाया है वेल्डिंग्स करवा के, इसको वेल्ड करवा के लोहे से। इसका जो एक्चुअल था वो है ये है, टूट गया था, पता नहीं कैसे टूटा, बाइक गिर गई थी शायद, तो ये टूट गया था, तो कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। ये बहुत कमज़ोर होता है ये मेटल, पता नहीं कौन सा मेटल है, ये एकदम से टूट गया था ये। तो इसका सब्स्टिट्यूट लोहे का बनवा है, ये काफ़ी ड्यूरेबल है देख सकते हो। तो आपको यही रिकमेंडेशन करूँगा, अगर आपका कभी टूट जाए तो ये बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये 1,000 रुपये का नया आता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वर्थ है। तो एक तो ये हो गया इस बाइक में,
पर दूसरा सबसे मेन अपग्रेड इस बाइक का वो है ये, जो इसके रेयर शॉकर्स हैं, ये हैं एंड्योरेंस के। तो ये मैंने एक्चुअल में सर्विस सेंटर से नहीं, मतलब रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप से बाय नहीं किए, ये मैंने मार्केट से ऑनलाइन परचेज़ किए थे एंड्योरेंस के। अब इसमें अंतर क्या है, ये भी एंड्योरेंस का है और रॉयल एनफील्ड भी एंड्योरेंस के ही देता है। मेन डिफरेंस ये है प्राइस का, ये मुझे पड़े लगभग 2200-2300 के अराउंड। और अगर आप इन्हीं शॉकर्स को रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग में लोगे, यानी कि रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप से, तो ये पड़ेंगे आपको 3200 के, जो कि मुझे नहीं लगता समझदारी है। पैकिंग का डिफरेंस है, उसका प्राइस आप पे करोगे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग का बस। तो अगर किसी को चेंज करने हो तो एंड्योरेंस के बाहर मार्केट में पता कर ले, अगर अवेलेबल हो तो वहाँ से लगवा ले, नहीं है तब तो फिर लगाना ही पड़ेंगे। तो इनको लगा के भी बहुत आराम मिला है, पहले वाले शॉकर्स बहुत स्टिफ थे और उसमें एक लेफ़्ट साइड का शॉकर ऑयल लीकेज भी करने लग गया था, तो इस वजह से मैंने दोनों चेंज कर दिए। तो इस बाइक का सबसे बड़ा अपग्रेड तो यही है उसके बाद से। और बाकी ये टायर हो गए, आगे पीछे दोनों के टायर बदल दिए थे मैंने 18,000 के राउंड में MRF के। पीछे वाला मीटियोर है 140/70 वाला सेक्शन टायर, और आगे का भी MRF का ही है। और क्या चेंजेस हुए थे इस बाइक में और आपको क्या बताएं, और बहुत है इसमें, स्पार्क प्लग का हो गया, इसकी हेडलाइट मैंने इसकी चेंज करवाई थी, फ़िलिप्स की लगवाई है मैंने इसमें, जो हाई बीम में तो वाइट थ्रो करती है और लो बीम में येलोइश। तो यही है इसमें मेन अपग्रेड्स। बाकी हाँ, और इसके मैंने चेन सेट भी चेंज करवाया अभी पिछली सर्विस, यानी कि संडे जो सर्विस कराई थी उसमें, वो भी 25,000 में चेंज करवाया। चेन सेट बहुत लूज़ हो गया था, ये तो ठीक है, फिर भी नया लगी है। तो ये चेंजेस हैं इस बाइक में टोटल। बाकी ये बाइक की कंडीशन आप देख सकते हो, तो दैट्स ऑल दिस वीडियो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई, तो इसका टैंक में जो फ्यूल फिल्टर होता है वो भी चेंज किया था परसों सर्विस में, तो वो अराउंड 30,000 की सर्विस में होता है, लेकिन मैंने 25,000 में करवा दिया था फिर। तो उसका फ्यूल फिल्टर भी चेंज हुआ है एक। लेकिन आप कभी भी बाइक की सर्विस करवाने जाएँ तो स्पार्क प्लग ज़रूर क्लीन करवा लें, वरना वो लोग 12,000 पे स्पार्क प्लग चेंज होता है वो उसी को चेंज ही करते हैं, क्लीन करने में उनका ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होता। बाकी इतना ही था आप लोगों के लिए इस वीडियो में, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, थैंक यू सो मच। इसमें एक इशू और अराइज हो रखा है, वो है इसका ब्रेक लाइट, पीछे की ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही है इसकी, जब पीछे का ब्रेक दबाने पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ब्रेक दबाया, देखोगे तो पीछे का लाइट नहीं जलेगी, लेकिन मैं आगे का दबाऊंगा ब्रेक, ही आगे का ब्रेक दबा रहा हूँ तो लाइट जल रही है, पीछे का ब्रेक दबाने में लाइट नहीं जल रही। तो एक इशू ये भी है, इसको रिजॉल्व करना है, ये अब अगली सर्विस में हो पाएगा ये काम।